जो भगवान की जो
माया है, इनका दो काम है, ये दो तरीके से भगवान का सेवा करते हैं। एक इनका काम है जो माया शक्ति है, इनका एक काम तो जो भगवान से बहिर्मुख है उनको क्या करते हैं ना माया जाकर उनको फिर से दे देते हैं। कृष्ण बहिर्मुख हो गया भोग वांछा करे निकट या माया तरह झपटिया तरह, जो कृष्ण को बहिर्मुख हो गए भोग वांछा करने की इच्छा रखते हैं उनको ये माया शक्ति क्या कर देते हैं, उनको दो शरीर स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दे के जड़ जगत में फेंक देते हैं। अब जो लेकिन जो उन्मुख है भगवान के मुक्ति करने चाहते हैं तो ये माया शक्ति क्या करते हैं ना उनको चित भगवान की चित शक्ति के बल से उनको क्या करते हैं ना भगवान के पास ले जाते हैं, उनको सहायता करते हैं भक्ति में पुष्टि करने के लिए। अब यहाँ पे गुरुदेव ने बताया था कि माया शक्ति कृष्ण को स्वयं को भी भुला देते हैं, क्या ना कृष्ण स्वयं भगवान है और ये माया शक्ति क्या करते हैं ना जो ब्रजलीला में जो विशेष विशेष लीला है, जो कृष्ण का जितना भी ऐश्वर्य लीला है वो सब में कितना रूप में ढक देते हैं, आवृत कर देते हैं, सब उनको क्या करते हैं माधुर्य में लीला में परिणत कर देते हैं। उदाहरण देते हुए गुरुदेव ने बताया था कि इस समय कृष्ण ने मिट्टी खाया, अब कृष्ण तो मिट्टी खा चुके हैं, अब यशोदा माँ को सब कथा तो बहुत विस्तृत है लेकिन गुरुदेव जो मुक्ति श्रवण करेंगे थोड़ा इसका अगर प्रवेश करेंगे इस प्रसंग में तो यहाँ पे गुरुदेव ने बताया था कि कृष्ण ने एक समय पे मिट्टी ले खा दिया, अब सखा लोग सब लोग बोले कि कृष्ण मिट्टी खाए, अब यशोदा माँ झट करके आए और बोले कि कृष्ण लाला तूने मिट्टी खाया, पर ठाकुर जी तो कुछ मुंह खोल ही नहीं रहे, ठाकुर जी बोले तो मैं मिट्टी खाया ही नहीं, बोले सखा लोग बोले माता ये सखा लोग आपको पता नहीं ये खाते क्या करते हैं कचौड़ी और क्या जो मलाई और ये दूध दही सब माखन ये सब चोरी करके लाते हैं, मैं तो दिखने में बाहर से काला हूँ लेकिन अंदर तो मैं पूरा गोरो ही गोरो। अब ठाकुर जी को बात सुन के अच्छा ठीक है तो इतने में जो यशोदा माता ने इनको एक धमकी दिया, जब एक धमक दिया तो कृष्ण ने छट करके अपना मुंह को खोल दिया। अब कृष्ण सोच रहे हैं मेरे मुंह पे तो क्या है ना मिट्टी है, अब मैंने तो झूठ बोल दी है, अब मुंह पे मिट्टी देखेगा तो माँ के हाथ में जो डंडा है ऊपर से मैंने झूठ बोल दिया नहीं खाया और मैंने मिट्टी खा रखा है, अब माता मुझे क्या करेगा क्या करेंगे ना मुझे डंडा में पूरा पिटाई करेंगे। अब ऐसे जब कृष्ण सोचते हैं इनके जो इच्छा शक्ति जो माया देवी वहां पे क्या करते हैं ना ये सोचते हैं कि मेरे होते हुए अगर कृष्ण को अगर कृष्ण अगर मार खाए तो मेरा अगर होने का कोई ढेलो ही नहीं है, तो वहां पे जो माया क्या करते हैं ना उनके शक्ति के द्वारा कृष्ण की इच्छा शक्ति वो क्या करते हैं कृष्ण के मुख में अनंत कोटि ब्रह्मांड सबको दर्शन करवा देते हैं यशोदा मैया को, और यशोदा मैया खुद देख रहे हैं कि उनके कृष्ण के मुख के अंदर वो स्वयं को भी देख रहे हैं। अब इतने में यशोदा मैया सोचने लगे कि अरे मेरे कृष्ण कहीं भगवान भगवान तो नहीं, अब पूरा भ्रमित हो गए पूरा आश्चर्य हो गए देख नहीं रहे, पूरा आंख इतने पूरा पलक बिना पलक छपका है बस कृष्ण को देखे जा रहे इतना पूरा भयभीत हो गए। तब कृष्ण के मन में एक इच्छा हुआ, कृष्ण अभी सोच लें कि क्या ना जिस तरह माँ घर में क्या करते हैं ना नारायण सालग्राम शिला को एक छोटा सा मंदिर में क्या करते हैं ना शिला प्रभु को सेवा करते हैं, फिर दिन में एक बार दो बार माखन मिश्री देते हैं फिर बंद कर देते हैं, अगर मुझे मान ले कि मैं भगवान हूँ तो मेरे लिए भी ऐसा एक छोटा मंदिर बना के मुझे भी अंदर भर्ती कर देंगे और बाहर से लग कर देंगे, फिर तो मेरा जितना भी सखा लोगों के साथ खेलना जो वन वन में भ्रमण करना गाय चराना ये सब आनंद ही खत्म हो जाएगा। अब इतना जब सोचते हैं तो उनके ही इच्छा शक्ति जो माया देवी क्या करते हैं अरे अरे प्रभु जी तो कुछ अलग सोच रहे हैं ठाकुर जी, तो वो क्या करते हैं सारे के सारे जितने भी लीला और जितने ब्रह्मांड लीला को जो देखे थे यशोदा माँ उनको क्या किया सारे के सारे विस्मृति कर दिया, सारे के सारे वो क्या किया भूल गए अंतर ध्यान हो गए। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रेमावश प्रभु नहीं देहानुसंधान इच्छा जानी लीला शक्ति करे समाधान, प्रेम में आवेश होकर भगवान अपने देहानुसंधान उनको कुछ पता ही नहीं चलता है कि वो स्वयं भगवान है, इनके इच्छा को जानकर जो जोग माया देवी जो माया शक्ति उनको क्या करते हैं ना उनकी इच्छा को विशेष रूप में पूर्ण करते हैं, अब मेरा प्रभु जी को ये भगवान ठाकुर जी को अब ये करना है। तो इसमें जब फिर जब वो सब क्या हुआ ना वो जब लीला अंतर्ध्यान हो गए तो फिर यशोदा माँ वो सब भूल गए और बोल रहे हैं कृष्ण के कृष्ण चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे, तो यशोदा माँ झक करके कृष्ण के मुख पे हाथ दे के बोल रहे हैं कि अरे शायद उसके मुंह पे कहीं भूत भूत चले, चलो इधर से भागो इधर से, फिर पूरा का सब लीला वहां से भूल गए। अब इधर से बोल रहे हैं
जो माया शक्ति दो तरीके से भगवान को लीला को पुष्टि करता है। एक तो भगवान को जो भगवत्ता को ही भुला देता है कि स्वयं कृष्ण कौन है ना भगवान है। अगर स्वयं कृष्ण को भगवान भगवान अगर ब्रज में होंगे तो जो वहां पे बता रहे हैं कि जो दाम बंधन लीला है, उस दाम बंधन लीला में क्या बताया गया है कि भगवान यशोदा माता के भय से भाग रहे हैं और रुदंतम मोहन नेत्रे युग्मं रुदंतम रो रहे हैं। तो ठाकुर जी यहाँ पे विशेष करके रो रहे हैं। अगर इनको ये सब क्या कौन सा लीला है ना, जोग माँ इनको भ्रमित कर देता है कि ये बस अभी साधारण नर्वक लीला कर रहे हैं। अगर जोग माया ऐसे नहीं करती, स्वयं अगर कृष्ण अगर भगवान अगर बुद्धि रखते तो बोलते कि पिटाई कर लो मुझे, मैं तो भगवान हूँ। अब यहाँ पे स्वतः रूप में ठाकुर जी रो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सीन फ्लॉप हो जाएगा, माया ने पकड़ लिया मुझे, अब मैं रोना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है। स्वाभाविक उनके क्या करते हैं ना, रुदंतम मोहन नेत्र, जैसे कोई रोते हैं तो स्वयं रूप को जो भगवान की जो स्वरूप है उनको भी योग माया क्या कर देते ना, भुला देते, भ्रमित कर देते। और दूसरे बात ना कृष्ण लीला को ये पुष्टि कर देते। लेकिन ये तो केवल उन्मुखी जो भगवान के तरफ है, लेकिन जो विमुख है कंस को जो माया मोहित करता है वो कौन है ना, गुरुदेव ने बताया वो महामाया है। लेकिन भगवत लीला को जो पुष्टि करने वाला जो माया है वो कौन है ना, वो योग माया है। तो इसे आगे गुरुदेव ने बताया कि जिस समय देवकी के शादी करवाया कंस ने वसुदेव जी के साथ, तो उस समय उन्होंने वहां पे देवकी को वो क्या करते थे ना, बहुत सारा वहां पे चीज दिया, गिफ्ट उपहार दिया, जैसे कि सोने के 400 हाथी, सोने में रंजित 400 हाथी दिया और 1800 रथ दिया, 200 जो सुकुमारी दासी दिया और 15,000 घोड़ा दिया। अब इतने में देकर भी जो ये कौन है ना जो कंस, ये देवी को इतना प्रेम करते थे कि इन्होंने सोचा कि मैं ही खुद या इनको क्या करूं, रथ का सारथी बन जाऊं। अब इतने में आकाशवाणी हुआ, क्या आकाशवाणी हुआ ना, यहाँ पे आकाशवाणी हुआ, गुरुदेव बताए ये वाला श्लोक ना, प्रति प्रगहिणम कंसम अभाष्यम अशरीर वाक् अष्टम गर्भ से क्या होगा ना, यही अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। अब इतना सुन के ही जो आकाशवाणी हुआ, वो आकाशवाणी को सुनते ही क्या किया ना, कंस का तुरंत अपने माया से तलवार निकाल के देवकी को चोटी को पकड़ के उनको बध करने के लिए दौड़ा, क्योंकि इनको अगर बध कर दूं, ये अगर नहीं रहेंगे तो इनके गर्भ से अष्टम संतान होगा कब, और अष्टम संतान जब होगा तब जाके मुझे मारेगा। अब यहाँ पे श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि ये आकाशवाणी हुआ क्यों, यहाँ पे बता रहे हैं कि देवकी को कंस इतना प्रेम करता था, अगर देवकी के नित्य माता, देवकी कृष्ण के नित्य माता है नित्य जगत में, तो कृष्ण इनके यहाँ प्रकट होंगे। अगर ये देवकी को इतना प्रेम करता होगा तो कृष्ण उनको वध नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इन्होंने देवता के द्वारा क्या किया ना, आकाशवाणी करवाया। जब आकाशवाणी हुआ तो तब देवता के वाणी तो मिथ्या नहीं होता, इसीलिए कंस भी इनको शायद ही स्वाभाविक रूप में स्वीकार कर लिया और उसके बाद क्या किया ना, देवकी को मारने चला। अब यहाँ पे बता रहे हैं देवकी को विशेष रूप में कंस ने मारने चला। अब दूसरी बात बता रहे हैं कि इतने में जब देखे वसुदेव महाराज जी ने कि ये बद्ध मूर्ख कंस ये क्या करेगा ना, विशेष रूप में देवकी का भी विनाशी कर डालेगा, तब जो साधु का स्वभाव होता है वो क्या होता है ना, साधु का वाणी का विशेष प्रभाव रहता है। तो वहां पे जो वसुदेव महाराज जी ने कंस को समझाने की कोशिश किया, चाहे कि वसुदेव महाराज यहाँ पे भागवत जी में उनको महात्मा बोला गया है कि ये महात्मा का वाणी का सुन के हृदय में भी कुछ दया आ जाए ताकि ये देवकी को छोड़ दे। तो यहाँ पे उनका नाम है आनक दुंदुभी। हाँ, और भी गुरुदेव बताया कि इनका नाम है आनक दुंदुभी, क्योंकि ये जिस समय पे जन्म हुए उस समय पे दुंदुभी वन टाइप ऑफ ड्रम, मतलब एक बाजा होता है नगाड़ा, तो ये इसको बोलते हैं कि जब शुभ समय होता है इसमें उस समय संत दुंदुभी ये सब बजता है शुभ अवसर पे, तो कोई मंगलमय अवसर पर ही संत दुंदुभी ये सब चीज बजाया जाता है, ये मंगल ध्वनि बताया गया है शास्त्र में। अब यहाँ पे सब देवता लोग क्या किए ना, उस समय पे वो दुंदुभी बजाना शुरू की,
इसलिए इनका नाम आनक धुंधवी है। अब पुष्प वृष्टि किए थे ये जिस समय पे जन्म हुए थे। अब इन्होंने क्या किया ना कंस को उपदेश देते हुए बोला कि जन्म मृत्यु जता देरम मृत्यु जन्म बताम देरम देहना शरजायते अद्यवाद शतांते वा मृत्युवे प्राणिनाम ध्रुव कि हे कंस एक ना एक दिन तो तुमका मरना है। मैंने हाँ तो मरना है तो जन्म मृत्यु जता विरम मृत्यु जन्म बताम विरम देहना सहजायते देहना सह उपजायते। यहाँ पे बता रहे हैं कि देह के साथ ही जब जन्म पैदा होता है जब कोई जीव पैदा होता है उसके साथ ही उसका मृत्यु उसमें क्या होता है ना निश्चित रूप में होता है। अद्यवाद शतांत जो आज हो सौ से सौ साल के बाद भी क्यों ना हो क्या होगा तो मृत्यु तो सुनिश्चित है। इसलिए लेकिन वहां पे उदाहरण देते हुए गुरुजी ने बोला था एक पेड़ और पानी वाला उदाहरण दिया था कि किसी नदी के किनारे कोई पेड़ है और उसके परछाई पानी में गिर रहा है तो जिस जब तक पानी स्थिर है तो उसी तरह उस तब तक क्या होगा ना वो पेड़ भी स्थिर दिखाई देगा उसका जो परछाई। लेकिन पानी जब हिलने डुलने लगेगा उसमें जब लहरें उठने लगेगा तो वो क्या होगा वो जो परछाई भी हिलने लगेगा। लेकिन वास्तव में क्या परछाई जो पेड़ हिल रहा है क्या बोलने नहीं। तो इसी प्रकार जो आत्मा होता है वो नित्य है। आत्मा में जो छह प्रकार का विकार वो विशेष करके नहीं होता। छह प्रकार का विकार सड़ विकार शून्य है जायते जन्म लेना अस्थि उसका कोई अस्तित्व तो नहीं रहना वर्धक्य वो कोई बढ़ता नहीं कि घटता नहीं वो नित्य इतना ही रहता है। मान लो कि हाथी इतना बड़ा है हाथी के अंदर बहुत बड़ा आत्मा होगा और जो क्या चींटी वो बहुत छोटा है उसके अगर छोटा उसी मात्रा में आत्मा होगा ये सब नहीं होता। उसके अनुरूप ही हर सबके जीव में एक ही जैसा आत्मा रहते वर्धक्य और विपर्ण मत ये कभी भी मतलब इसका उल्टा उपजित नहीं होता। विपर्ण मत अपक्षय इसका कभी अपक्षय नहीं होता और मृत्यु मतलब जायते मतलब इसका कोई कभी मृत्यु नहीं होता। इसलिए यहाँ पे वसुदेव महाराज बता रहे हैं कि न जायते न मर्यते व कदाचित नायम भूतो भविता व न भूयो अजो नित्य शाश्वत अयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अयम बता रहे हैं कि ये जो आत्मा न जायते न मर्यते जायते न मर्यते ये कभी भी पैदा नहीं होता न मर्यते कभी मरता नहीं ये क्या है ना ये अजो पहले भी था आज भी है और फ्यूचर में भी रहेगा नित्य है हर समय इसका नित्यता रहता है। और ये पुराण यहाँ पे पुराण का शब्द अर्थ बता रहे हैं पुराण वो इति नूतन यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे शरीर जराजीर्ण हो जाने से क्या आत्मा जराजीर्ण हो जाता है बोले नहीं। ये पुराण कोई हर समय नित्य ही रहता है नवा नयमान नवयमान ही रहता है अजो नित्य पुराण अयम न हन्यते हन्यमाने शरीरे इसको कोई मार नहीं सकता और कोई भी अस्त्र के द्वारा ये छेदन नहीं हो सकता। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तको न शोषयति मार्ग कि एनम शस्त्राणि न छिंदति इसी आत्मा को शस्त्र द्वारा छेदन नहीं कर सकता नहीं करा जा सकता। एनम पावक न दहति इसको अग्नि दहन नहीं कर सकता इसको अग्नि जला नहीं सकता। एनम इसको वायु नहीं सुखा सकता मारुत न शोषयति और इसको जल द्वारा आर्द्र नहीं किया जा सकता गीला नहीं किया जा सकता क्योंकि ये नित्य है। इसीलिए जो यहाँ पे आत्म तत्व में बता रहे हैं कि वातांसि जिन्नानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जिन्न नन्यानि संजाति नवानि कि जिस प्रकार क्या होता है ना वातांसि जिन्नानि यथा विहाय नर यथा वातांसि जिन्नानि विहाय विहाय अर्थात छोड़ना क्या करते हैं कि एक जो मनुष्य है जो नर है जैसे महिला वस्त्र गंदा हुआ वस्त्र को और जिन्न जिन्न सिन्न वस्त्रों को फेंक देते हैं उसी प्रकार क्या करते हैं जथा उसी प्रकार आत्मा भी क्या करते हैं ना जराजीर्ण शरीर को त्याग करके नया शरीर को धारण कर देते हैं। यहाँ पे वसुदेव महाराज ने बहुत समझाया और वसुदेव महाराज जी ने इतना समझाया समझाने के बाद भी उसके मतलब कोई अकल नहीं आया तो यहाँ पे बता रहे कि इतना साधु का जो वाणी है वो तो प्रभावशील है लेकिन इतना प्रभावशील वाणी सुन के भी उसका मंदबुद्धि क्यों हुआ उसके दिमाग में कुछ अकल नहीं आया। यहाँ पे बता रहे हैं कि एक कारण से उसका दिमाग में मंदबुद्धि नहीं आया क्योंकि ये जो इसका संग प्रभाव था ये किसका संग करता था ना जो नर भोजन करने वाली नर मांस को भक्षण करने वाली जो दानव लोग का जो असुर लोग का संग करता था। यहाँ पे बता रहे हैं संग जैसा होगा उसी प्रकार से ही इसका क्या होगा ना बुद्धि भ्रष्ट होगा
जैसे साधु संग करेंगे, सत्संग करेंगे, तो उसी प्रकार उसका मध्य भगवान में लगे रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार का संग करते गुरुदेव उदाहरण देते बोल रहे थे, चोर के साथ बैठोगे तो चोर बन जाओगे, गंजे गंजे के साथ बैठोगे तो गंजेड़ी बन जाओगे। तो इसी प्रकार किस प्रकार का जिस प्रकार का संग होगा तो उसी प्रकार का रंग भी हो जाएगा। तो यहाँ पे बता रहे कि इसी कारण इसके हृदय में क्या हुआ, उनके कुछ पाने का भी मतलब कुछ असर हुआ नहीं। तो अंतिम में जब इन्होंने देखा कि ये तो मेरे पास सुन ही नहीं रहा है, अब मार ही डालेगा, इतने में वसुदेव महाराज बोले, देख लो मैं सत्यवादी हूँ, तो मानते हो मुझे सत्यवादी? तो उन्होंने कंस ने बोला कि हाँ आप तो सत्यवादी हो, तो ठीक है मेरे जितने भी क्या होगा, मैं जितने भी मेरा पुत्र होगा मैं सबके सब तुमको क्या कर दूंगा, तुमको ही लाके दे दूंगा। अब इनके बात सुन के जो कंस ने ये सोचने लगा हाँ ये तो सत्यवादी है और इनके सारे के सारे पुत्रों को क्या करेगा, यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठा रहे हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे टीका में कि इनका आकाशवाणी हुआ कि अष्टम गर्भ के संतान ही इनको क्या करेगा, ना वध करेगा। अब ये बोल रहे हैं कि सारे के सारे पुत्र देने के बाद क्यों बोल रहे हैं? तो यहाँ पे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विशेष करके चार कारण बताया। कौन सा? ना पहला ये वाला कारण कि अगर ये पुत्र पैदा करेंगे तब जाके तो वध करेगा। तो वसुदेव महाराज सोच रहे हैं कि मैं तो कोई पुत्र पैदा ही नहीं करूंगा, जब पैदा होगा तब जाके फायदा नहीं करूंगा, ऐसे नहीं संतान होगा। शिक्षा दिया है कि मृत्यु का कोई गारंटी नहीं है, तो हो सकता है कि संतान होने से पहले कभी भी मर जा सकता है। तो ये विशेष करके गुरुदेव ने चार कारण बताया था श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका से। अब बता रहे हैं कि इसी कारण वजह से इन्होंने बोल दिया कि अब उनके अष्टम संतान को क्या किए, अष्टम घर में जो ठाकुर जी प्रकट हुए उनको क्या किए, वसुदेव महाराज जी ने अकेले से छुपके ही गोकुल में लेके छोड़ के आ गए। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि इन्होंने पर सत्यवादी है, तो यहाँ पे एक अर्थ में बता रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, ना एक श्लोक, इसका दो अर्थ है, श्लोक का दो अर्थ है। तो इसमें एक अर्थ में ये है कि जिस जो संतान से तुम्हारा भय है उसको मैं क्या करूंगा, नहीं दूंगा। और दूसरे अर्थ में बोल रहे हैं जो अभय है, जो संतान से तुम्हारा अभय है तो उसको मैं क्या करूंगा, मैं तुमको वो दे दूंगा, वो छह पुत्र को तुमको दे दूंगा। इसलिए यहाँ पे वो क्या के ना कंस से जो छह पुत्र का वध होने वाले जा रहे मतलब था वो पूर्व जन्म में इस प्रकार के गुरुदेव ने वो बताएंगे, तो मरीचि का वो बेटे थे उनको कंस के हाथ में वध होने वाले थे, तो उसको उस लीला को पुष्टि करने के लिए क्या हुआ, ये सारे के सारे पुत्र देवकी के गर्भ में आए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे दो अर्थ है, तो इसी अर्थ का अगर देखा जाएगा तो वास्तव महाराज वास्तव में ये कहना चाहते हैं जो जो अष्टम गर्भ से जो तुम्हारा विनाशकारी जो पुत्र होगा जिससे तुम भय कर रहे हो वो पुत्र को मैं तुमको कभी भी नहीं दूंगा। यहाँ पे गुरुदेव एक उदाहरण देके बताए थे कि दो उदाहरण देते हैं, तो प्रभुपाद वाला और पहला उदाहरण दिए थे कि दशरथ महाराज और वसुदेव महाराज को अगर हम कंपेयर करेंगे इनके अंदर, तो वसुदेव महाराज का जो प्रीति है वो सबसे अधिक होगा। क्यों ना, दशरथ महाराज जी ने उनके जीवन चरित्र अगर हम स्पर्श करेंगे प्रवेश करेंगे तो दशरथ महाराज जी ने क्या किए, ना कह गए कि दो विशेष वरदान दिए, एक क्या ना भरत राजा बने और दूसरा ना भगवान राम क्या करेंगे 14 साल तक वनवास करेंगे। अब इतने इनके आज्ञा को पालन करते हुए ये सब प्रतिज्ञा, अब यहाँ पे बताया गया है कि रघुकुल रीति सदा चले, प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन प्राण भी चले जाए लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। इसी वजह से क्या किए, ना दशरथ महाराज जी ने राम जी को वन में भेजने की अनुमति भी दे दिया था, वहां पे भेज दिए, लेकिन यहाँ पे वसुदेव महाराज जी ने क्या किया, भगवान की सेवा के लिए कोई भी अगर बुरे काम, कोई भी पाप, कोई भी नियम, कोई भी प्रतिज्ञा को टूटा जा सकता है। वहां पे भगवान की सेवा के लिए कोई प्रकार का विशेष प्रकार का नियम नहीं होता। एक बात यहाँ सज्जन भक्ति लोग ठाकुर अपने कीर्तन में लिखे हैं कि धर्म बोले वेदे जा रहे इतने को प्रशंसा करे, कहा किछु नाय कर धर्मा धर्म परिहर हो रत निपुण व्यवहार, कि धर्म बोल के वेद में इतना प्रशंसा जो करते हैं
ये करो वो नहीं करो, विधि निषेध को बता रहे हैं कि तहा किछु नहीं करो, वो सबको छोड़ो, धर्मा धर्म वो सबको छोड़ के क्या करो, बहुरत निगुण व्यापारे, कि जो राधा कृष्ण जुगल के जो सेवा करने का जो प्रवृत्ति है, हमको इस चीज में ठाकुर जी का सेवा करने है, चाहे इसमें क्या हो, हमारा कहे चाहे नरक भी क्यों ना प्राप्त हो, हमारे सेवा से नियम अपराध है किंबा नरक गमन, सेवा अलग ही कोटि अपराध नहीं गणी, स्वनिमित सेवा अपराध भाष्य भय मानी, इसी बात को कैसे तो ये भावना से वहां पे उसने महाराज जी ने क्या के ना एक कारण बता रहे कि कृष्ण को लेके छोड़ के आगे। अब प्रभुपाद के एक चरित्र वहां पे गुरुदेव ने बताया था कि प्रभुपाद के समय पे किसी एक संत ने साउथ में श्री रंगनाथ जी जो प्रभुपाद के समय प्रभुपाद ने ये स्टोरी बताया उपदेश उपाख्यान में। ये तो प्रभुपाद का उपदेश उपदेश वही है कि किसी समय पे रंगजी में बहुत टूटा फूटा हुआ मंदिर था, वहां पे रंगनाथ जी विराजमान थे। तो एक संत ने देखा कि भैया ये जो रंगनाथ जी मंदिर, इनके जो पत्नी लक्ष्मी, लक्ष्मी स्वयं होते हुए ये टूटे फूटे मंदिर में क्यों रहेंगे। तो इनको इच्छा हुआ कि इनको रंगनाथ जी को विशेष सुंदर भव्य मंदिर करके उनको वहां पे विराजमान करने के लिए। अब इन्होंने, इनके पास तो इतना धन नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, वहीं के राजा के पास गए। अब राजा को बोले कि मुझे रंगनाथ जी का मंदिर का कुछ बनाने के लिए कुछ धन का आवश्यकता है और आप क्या करो, कुछ धन हमको दे दो। तब राजा ने बोला कि धन मैंने थोड़ी ना मंदिर बनाने के लिए किया है, धन तो मैं अपने भोग के लिए किया है। तब यहाँ पे फिर वो जो संत वो तो बड़े गुस्से होकर उधर से चले आए, लेकिन उन्होंने उनका चार शिष्यों को चार विशेष मंत्र सिखाया, चार शिष्य उन्होंने बनाया। एक शिष्य को उन्होंने क्या किया ना, वो अगर किसी के परछाई के ऊपर खड़ा हो जाए तो वो वहां से हिल नहीं सकता, बस वही वहां के स्टेचू के स्टेचू है। और दूसरे शिष्य को इन्होंने बताया कि एक अगर कोई इनसे अगर युक्ति तर्क करने लगे, बातचीत करने लगे तो वो वहां से नहीं जा सकता। और तीसरे को बताया, इसका मंत्र सिखाया कि कितना चाहे कितना का बड़ा हो, लॉकर हो, पासवर्ड डाले हो, लॉक किया गया हो, ताला हो, वो अपने एक मंत्र से वो क्या करेगा, वो ताला को खोल सकता है। और चौथे वाले शिष्य को बताया कि ये क्या कहते हैं, पानी के ऊपर चल सकता है। अब इन्होंने इनको बोला कि तुम जाओ पहले राजा के जो परछाई के ऊपर खड़े हो जाओ, और दूसरे को बोला कि आप उनके साथ ऐसे तर्क करो कि वो कहीं से हिल ही नहीं सकते। अब राजा के परछाई के ऊपर एक खड़ा हो गया और एक दूसरा खड़ा गया, सबसे तर्क करने लगा, तो उस समय पर कोई हिल ही नहीं गया। तो तीसरे ने क्या किया ना, जो तिजोरी था राजा का जो भंडार था उसमें से क्या किया ना, अपने मंत्र के प्रभाव से सारे के सारे तिजोरी का लॉक को खोल के सारे धन ले आया। और चौथे ने क्या किया ना, वो धन को लेके पानी के ऊपर फेंक दिया। तब ये बाह्य दृष्टि से दिखा जाता है कि तो ये क्या है, और उन्हें भगवान की भव्य मंदिर बनाया, सुंदर मंदिर, हाँ श्री रंग जी की बड़े सुंदर मंदिर बनाया। तब इन्होंने ये दिखाया कि इन्होंने तो अभी पाप किया, चोरी करना तो पाप ही है, लेकिन भगवान के सेवा के लिए जो किया गया पाप भी वो क्या है ना, वो सेवा में आता है। लेकिन भगवान के सेवा के बिना अगर कोई भी पाप किया जाए तब तो भाई पाप होगा। अब ऐसा नहीं मत सोच लो कि हम तो सेवा कर रहे हैं और बस पाप करने चले जाते, तो ऐसा भी नहीं है। तो भगवत सेवा बुद्धि हृदय में होना चाहिए। तो ये बात तो गुरु जी ने कल बताया था, ठीक है। हाँ हरे कृष्णा हरि बोल। हाँ तुम बोल रहे, तुम बोलोगे ना, हाँ इसको इधर माइक दे दो। ये तीन चार दिन से बोल रहे, मैं भी कुछ बोलूंगी, सब बच्चे से बोल रहे थे ना, कोई बात नहीं, आज बच्चों का दिन ही सही, आज बच्चों का दिन, आज आज की आप कुछ कही कही ना, बोलो। हाँ बोलो क्या बोले, नमो विष्णु पादाय कृष्ण श्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति वेदांशु नारायण गोस्वामी नामिने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सर्वप्रथम मैं मेरे गुरुदेव ओम विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापित करते हुए उनसे हितों की कृपा की आशा करती हूँ। तब दुर्भ्रांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मेरा हित कर्तव्य मेरा प्रणाम तथा यहाँ सभी उपस्थित वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। हमारे गुरुदेव हमें अनगिनत बार बता चुके हैं हरिनाम की महिमा, हमें हरिनाम क्यों करना चाहिए, कैसे और कब करना चाहिए। तो आज मैं भी एक हरिनाम के ऊपर एक छोटी सी कथा सुनाने का प्रयास करती हूँ। एक गांव था, वहाँ कुछ महात्मा लोग यज्ञ करने आए तो एक पेड़ के पत्तों पर वह चंदन से कृष्ण कृष्ण लिख रहे थे और पूजा कर रहे थे। तो जैसे उनका यज्ञ समाप्त हुआ वह तो वहाँ से चले गए अपना सामान वगैरह समेट के। तो उसके बाद एक व्यक्ति था जिसकी जो वह अपनी बकरियों को उस मैदान में चराने के लिए आता था। तो जैसे वह आया तो सभी बकरियां घास खा रही थी, परंतु एक बकरी ने वह कृष्ण नाम रूपी पत्ता खा लिया। तो वह सब वापस चले गए और उस व्यक्ति ने उन बकरियों को उनके बाड़े में बांध दिया। तो जैसे सब बकरियां मैं कर रही थी, वह मैं भी क्यों कर रही थी, क्योंकि उनका स्वभाव मैं करने का ही है। परंतु जिस बकरी ने कृष्ण नाम रूपी पत्ते को ग्रहण किया था वह कृष्ण कृष्ण जप कर रही थी। तो आसपास खड़ी बकरियों ने सुना कि यह क्या कर रही है। तो वह बोली, अरे ये तो क्या बोले जा रही है। तो वह बोली, जहाँ हम सब मिलकर घास खाने जाते हैं वहाँ मैंने कृष्ण नाम रूपी पत्ता पड़ा था तो वह मैंने खा लिया, तो मेरे मुख से कृष्ण कृष्ण ही निकल रहा है। तो सब बकरी अपने उसे बहुत जोर लगाया कि नहीं मैं बोल, हमारा स्वभाव मैं बोलने का है। तो वह बोली, नहीं मेरे मुँह से चाकर भी मैं नहीं निकल रहा, कृष्ण कृष्ण ही निकल रहा है। तो उन सभी बकरियों ने बहुत कोशिश करी पर वह तो टस से मस न हुई, कृष्ण कृष्ण जब ही करती रही। तो उन सभी को गुस्सा आया, उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम इसको अपने बाड़े से बाहर निकाल देते हैं। तो उन्होंने सींग मार मार के उसको बाड़े से बाहर निकाल दिया, परंतु उसे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बाहर खड़ी हुई भी कृष्ण कृष्ण जप करती रही। जब वह व्यक्ति आया तो उसने देखा, रही बाड़े से बाहर क्यों खड़ी है, तो उसने फिर वापस बाड़े के अंदर बांध दिया। परंतु उनको गाँव वो अच्छी लग रही थी कृष्ण कृष्ण जप करती, तो उसने फिर से बाड़े से बाहर निकाल दिया उसे सींग मार मार के। तो उस व्यक्ति ने जब यह देखा तो सोचा कि जरूर इसे कोई बीमारी हो गई है, कहीं ये बीमारी के चक्कर में मेरी सारी बकरियां बीमार हो जाए, और उसको एक जंगल में छोड़ आया। एक जंगल में एक व्यक्ति ने उसे देखा जो कि चोर था, उसने सोचा अगर मैं इस बकरी को पकड़कर किसी किसान को बेच दूंगा तो मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति ने उस बकरी को पकड़ लिया और एक किसान के पास ले गया। उस किसान ने उस बकरी को रख लिया और अच्छे खासे उसे पैसे भी दे दिए। परंतु वह किसान बड़ा ही भोला वाला था, तो उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि बकरी कृष्ण कृष्ण बोल रही है, जब मैं कर रही है, तो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो उसका दूध निकालता और बेच देता और जो पैसे आते उससे अपने घर में कुछ कुछ सुधार कर लेता। और जैसे जैसे वह कृष्ण कृष्ण जप करती थी तो उसका दूध बड़ा ही मीठा और स्वादिष्ट होने लगा। इसी कारण दूर दूर से उस किसान के पास दूध देने आते थे लोग बाग, और उसके दूध की कीमत भी बढ़ गई। उन पैसों से उसके घर में बहुत से सुधार भी हो गए। एक बार एक राज्य के सेनापति और कुछ सैनिक उस गांव से गुजर रहे थे, तो उन्हें बड़ी तेज भूख लगी, तो उन्होंने सोचा चलो हम कुछ खा भी लेते हैं। तो उन्होंने देखा कि एक किसान का घर है, हम यही रुककर कुछ खाते हैं। उस किसान ने अपनी बकरी का सबको दूध पिलाया, तो सेनापति बोला, अरे वाह बड़ा ही मीठा दूध है, ऐसा दूध तो हमने आज तक नहीं पिया। तो वह बोला, हाँ ये मेरी बकरी का दूध है और ये सदा ही कृष्ण कृष्ण जप करती है। तो एक सैनिक ने बड़ी गौर से देखकर सुना, हाँ ये सच में कृष्ण कृष्ण जप ही कर रही है। तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, परंतु वह वहाँ कुछ न कहकर चले गए। एक बार उसी राज्य की राजमाता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, बहुत सारे वैद्य वगैरह बुलाए, परंतु उनकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हुआ। औषधि जड़ी बूटियां सब कुछ दिया पर कुछ भी सुधार नहीं हुआ। तो एक वैद्य ने बोला, भाई देखो अब तो इनका भगवान ही सहारा है, जितना हो सके इनको ठाकुर जी के नाम का सुमिरन कराओ। तो राजा ने सोचा कि मुझे तो अपने राज्य का अपने प्रजा का बहुत सा काम होता है, मुझे तो एक मिनट की भी फुर्सत नहीं है कि मैं इनके पास बैठ के इनको कृष्ण का सुमिरन करा सकूँ, ठाकुर जी का नाम वो करा सकूँ। तो उस सैनिक को उस बकरी की याद आई, तो उसने कहा, उसने सारी बात राजा को बताई, तो राजा को सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। परंतु जब सैनिक उस बकरी के पास ले गया राजा जी को, तो राजा जी को विश्वास हो गया। तो राजा जी किसान से बोले कि भाई ये बकरी हमें दे दो। तो किसान बड़ी ही नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर बोला, राजा जी मेरे पास तो एक यही बकरी है जिससे मेरा घर बार चलता है, इसके दूध बेचकर मैं जो पैसे आते हैं उससे अपना खा पी लेता हूँ, घर में सुधार कर लेता हूँ। तो राजा जी बोले, नहीं मैं तुम्हें इस बकरी के बदले इतना धन दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी और तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। तो किसान तो था ही बोला वाला, उसने आराम से उस बकरी को दे दिया और राजा जी ने उसके बदले बहुत सा धन दिया, जिससे उसकी गरीबी दूर हो गई, सारी जिंदगी आराम से गुजर गई। तो राजा जी वह बकरी को लेकर राज्य में पहुंचे अपने राजमहल में। तो वह बकरी जैसे जैसे कृष्ण जप करती थी
और उस कृष्ण जप के सुमिरन से और उस गाय का उस बकरी का मीठा स्वादिष्ट दूध पीने से राजमाता की तबीयत में सुधार आने लगा और कुछ ही दिनों में राजमाता बिल्कुल स्वस्थ हो गई। इसी बात से प्रसन्न होकर राजा जी ने सदा के लिए उस बकरी को अपने ही महल में रख लिया। तो इस समय यह शिक्षा मिलती है कि एक बकरी एक पशु होकर अपने बाड़े से एक महल तक पहुंच सकती है सिर्फ कृष्ण कृष्ण का जप करके। तो क्या हम इंसान होकर हरि नाम का जप करके इस माया रूपी जाल से निकल के भगवान के धाम तक नहीं पहुंच सकते? और हमारे गुरुदेव भी बताते हैं कलयुग केवल नाम आधार है, कलयुग में केवल नाम ही आधार है जिसका सुमिरन करने से हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। और अगर हम भगवान का नाम किसी भी रूप से लेते हैं हमारे लिए कल्याणकारी ही होता है, हंसी मजाक में और अगर किसी को संकेत देने पूर्वक या फिर किसी की अवहेलना पूर्वक भी हम भगवान का नाम लेते हैं वह हमारे लिए कल्याणकारी ही होता है। और मैंने गुरु जी के मुख से एक कथा भी सुनी है, वह मैं सुनाती हूँ कि एक जंगल था जिसमें चार व्यक्ति रहते थे जो कि चोर थे। तो उन चारों ने अपना एक कोडवर्ड बनाया हुआ था जिससे वह एक दूसरे की बात समझ जाते थे। तो एक व्यक्ति ने देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है तो वह बोला नारायण नारायण, ले तो वह भगवान का नाम रहा है परंतु वह अपने दोस्तों को सचेत कर रहा है कि एक नर आया नर आया। तो जैसे ही दूसरे व्यक्ति ने देखा तो वह बोला दामोदर दामोदर, उसने दाम यानी पैसा उधर यानी पेट की उसने देखा उसके पेट पे एक पोटली बंधी है जिसमें पैसा भी है। तो सभी व्यक्ति समझ गए हाँ पैसा भी है। तीसरा वाला ऐसे ही बोला कि वासुदेव वासुदेव, जिसके सिर पे वासुदेव वासमान। तो ऐसे ही चौथा बोला चौथा बोला मधुसूदन मधुसूदन, मधु यानी पैसा, शोधन यानी जल्दी खाली करो कि इसको जल्दी से लूट लो जल्दी खाली करो। तो तभी क्या होता है एकदम बिजली कड़कती है और उन चारों की मृत्यु हो जाती है और उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अब यहाँ बताया गया कि वैकुंठ धाम की प्राप्ति क्यों हुई, क्योंकि जैसे ही वे भगवान का नाम ले रहे थे उसके बाद वह कोई भी पाप नहीं कर पाए तो उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई। तो इसी प्रकार से हम भगवान का नाम किसी भी प्रकार से लेते हैं तो वह हमारे लिए कल्याणकारी ही होता है। और गुरुदेव भी बोलते हैं कि सदा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। और वह हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी के साथ साथ मुझे हाँ देखो ये शायद जीवन में इतना भक्तों के सामने पहला बार उसने कथा सुनाई, इसको पहले उसने कभी कथा नहीं सुनाई थी। लेकिन साधारण तुम बोलोगी हाँ दो इसको दो इधर तो इसलिए जो साधारण व्यक्ति है ना पहला बार कथा सुनाई तो शरीर में पसीना पसीना आ जाता है। लेकिन वो बिना निसंकोच रूप में पूरा कथा बहुत बड़ी चीज है। हाँ इतने कॉन्फिडेंस के साथ में सुना ना ये बहुत बड़ी बात है। ये वो ताजो अंतर्यामी है, मैं वे भी आपके बारे में बात कर रही थी और आप आ भी गए।
तो बोले ठीक है राजकुमारी, अब हम आए हैं तो अब हम आपके गुरुदेव हैं। तो राजकुमारी बोली ठीक है गुरुदेव, आज से जो भी आप कहेंगे मैं सब वही करूंगी। तो बोले ठीक है, जो मैं कहूंगा वही करोगी ना? तो बोली हाँ गुरुदेव, जो आप कहेंगे मैं वही करूंगी। तो बोले कि ठीक है, अपना जो भी राज्य में जितना भी धन हो वो सब लाकर मुझे दे दो। तो राजकुमार की बोली ठीक है, गुरुदेव ने मांगा है तो मैं जरूर दूंगी। तो उन्होंने अपना सारा धन लाकर उसे दे दिया, चोर को दे दिया। तो वो सोचने लगा राजकुमारी को भी ले चलता हूँ साथ में, तो सैनिक भी कुछ नहीं कहेंगे कि ये कौन है। तो वो ले चला ठीक है। अब राजकुमारी और वे चोर महल से बाहर निकल गए। तो वे जंगल में पहुंचे, तो जंगल में पहुंचे तो उन्होंने राजकुमारी को एक पेड़ से बांध दिया। तो राज चोर तो आराम से सो गया। तो अब दिन सुबह हुई, तो फिर चोर को तो जाना था और कहीं चोरी करने। तो बोला सुनो, जब तक मैं तुम्हारी रस्सी ना खोलूं ना, तो तुम्हें कहीं नहीं जाना यहाँ से। तो वो राजकुमारी बोली ठीक है गुरुदेव, आप जैसा कहेंगे मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से जब तक ये रस्सी आप नहीं खोलोगे। तो चोर तो वहां से अपना पैसा वैसा लेके सब चला गया अब दूसरे राज्य में चोरी करने के लिए। अब प्रतिकाल होती तो पूरे महल में शोर मचा कि राजकुमारी भी नहीं है और चोरी भी हो गई, खजाना भी लुट गया। तो अब सब जंगल में आए, देखा इधर उधर, तो राजकुमारी के पास आए। राजकुमारी पेड़ से बन गई थी, तो फिर देखा कि खजाना भी नहीं है और राजकुमारी भी पेड़ से बन गई है। तो सब कहने लगे कि राजकुमारी आप यहाँ कहाँ से आई? तो बोले सैनिकों से राजा कि इन्हें खोलो जल्दी, इनकी रस्सी खोलो। तो उन्होंने सैनिकों से कहा नहीं, ये रस्सी तुम नहीं खोलोगे, ये मेरे गुरुदेव ने बांधी है, मेरे गुरुदेव ही खोलेंगे। तो राजा बोले वे कोई गुरुदेव नहीं था, वे चोर था और वे चोरी करके वहां से चला गया, इसे रस्सी को खोलो जल्दी और महल में चलो। बोली नहीं गुरुदेव, ये रस्सी नहीं राजा, ये रस्सी मेरे गुरुदेव ने बांधी है, गुरुदेव ही खोलेंगे इसको। तो राजा ने बहुत प्रयास करा उन्हें समझाने का, पर वे नहीं मानी। तो राज बोले ठीक है, अब मरो यही, नहीं जाना। तो फिर चले गए। तो ये सब बातें ऊपर से नारद मुनि देख रहे थे और भगवान जी के शयन कर रहे थे। तो नारद मुनि बोले भगवान, मैं राजकुमारी को मुक्त कर आऊ, वरना ये देखो इन्हें 3 दिन हो गए, अब ये मर जाएंगे अगर मैंने इन्हें मुक्त न करा। तो भगवान बोले ठीक है नारद मुनि, आप जाओ और इन्हें मुक्त कर आओ। तो अब नारद मुनि आते हैं, कहते हैं अब गए नारद मुनि उनके राजकुमारी के पास। तो राजकुमारी ने प्रणाम किया, बोली आपको मेरा धनवत प्रणाम, कि मैं विवश हूँ कि आपको धनवत प्रणाम नहीं कर सकती, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नारद मुनि बोले ठीक है राजकुमारी, हमें आपका प्रणाम स्वीकार है कि हम आपकी गांठ खोलने आए हैं, हम आपको मुक्त करने आए हैं। अब राजकुमारी बोली नारद मुनि, अगर आप मेरी गांठ खोलने आए हैं तो मुझे क्षमा करें, ये गांठ मैं नहीं खुलवाऊंगी, ये मेरे गुरुदेव ने बांधी है तो मेरे गुरुदेव ही इसको खोलेंगे। नारद मुनि ने बहुत प्रयास करा पर वे नहीं मानी। तो नारद मुनि जी ने वहां से चले गए। तो नारद मुनि जी भगवान जी से जाके बोले, भगवान जी राजकुमारी ने गांठ नहीं खुलवाई और अगर उनकी गांठ ना खुली वे मुक्त ना हुई तो वे अवश्य मर जाएंगी। तो भगवान जी बोले ठीक है चलो मैं चलता हूँ, मैं खोलूंगा उनकी गांठ। तो भगवान जी आते हैं। अब भगवान जी देखती है वे, तो कहती है प्रभु आपको मेरा अनंत धनवत धनवत प्रणाम है, मैं विवश हूँ कि आपको प्रणाम नहीं कर सकती हूँ धनवत। तो भगवान जी बोले ठीक है राजकुमारी, हमें आपका प्रणाम स्वीकार है, अब हम आपको यहाँ से मुक्त करने आए हैं, लाओ हम आपकी गांठ खोल देते हैं। तो राजकुमारी बोली नहीं गुरुदेव, नहीं भगवान जी, ये गांठ मेरे गुरुदेव ने बांधी है और गुरुदेव ही खोलेंगे। अब भगवान जी मुस्कुरा रहे हैं। तो बोले अच्छा नारद मुनि, जाओ इनके गुरु को पकड़ के लाओ, वो आए इनके गुरुदेव। तो नारद मुनि जाते हैं। अब वो चोर था तो कहीं चोरी की फिराक में था, तो फिर से वहां जाग रहा था। अब नारद मुनि गए और हाथ लगाया, बोले चलो गुरुदेव अपने शिष्य को मुक्त करके आओ। बोले कौन गुरु, किसका शिष्य, मैं तो चोर हूँ और चोरी करने आया हूँ।
तो बोले अच्छा चलो हमारे साथ पता चल जाएगा कौन शिष्य और कौन गुरु। तो वे जाते हैं तो देखते हैं कि अच्छा राजकुमारी आप यहीं पर बंधी भी हो। बोली हाँ गुरुदेव, आप कह के गए थे कि जब तक मैं ना आऊं इस रस्सी को कोई नहीं खोलेगा। तो बोले अच्छा, तो अब चोर ने रस्सी खोल दी। तो राजकुमारी खड़ी है और एक तरफ वे चोर खड़ा है, दूसरी तरफ भगवान जी खड़े हैं। तो राजकुमारी सोच रही है कि सर्वप्रथम मैं किसको प्रणाम करूं। तो फिर उन्होंने भागवत कथा में सुना था कि भगवान खुद कहते हैं कि मेरी मतलब गुरु मुझसे भी महान है, मैं उनके बिना प्राप्त नहीं हो सकता हूँ। तो गुरु गोविंद दो खड़े काको पागल आए, बलियारी गुरु आपने गोविंद देव मिलाए। तो अब सर्वप्रथम अपने गुरुदेव को प्रणाम करती हैं और उसके बाद भगवान जी को प्रणाम करती हैं। तो यहाँ पर शिक्षा मिलती है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि बिना गुरु के मैं नहीं प्राप्त होऊंगा, जब तक गुरु का आश्रय ना हो तो मुझे भी तुम नहीं पा सकते। भगवान ने सर्वप्रथम माता पिता को और उसके बाद गुरुदेव को बताया है, फिर तीसरे पे अपना स्थान बताया है कि सर्वप्रथम हमारे माता पिता हैं और उसके उपरांत हमारे गुरुदेव और तब मैं हूँ। तो यहाँ पर शिक्षा वो है कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं है, भगवान भी नहीं मिल सकते बिना गुरु के, अगर हमारे पास गुरु का आश्रय नहीं है। ओम आचार्य एवी जीवन में पहला बार बोली, ये कभी बोली नहीं, लेकिन अच्छी बात है पहला बार बोल रही है, लेकिन इतने बढ़िया से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और भी हमारी एक बेटी है, वो भी कुछ बोली। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। एक बार और जोर से हरे उपस्थित वैष्णव वैष्णवी भाई बहन माताएं सबके चरणों में मेरा यथा योग दंडवत प्रणाम। गुरुदेव ने आज्ञा दी है कुछ हरि कथा बोलने की, यद्यपि मेरी कोई योग्यता नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता, परंतु फिर भी मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगी जो भी मुझे थोड़ा मोड़ा याद है। हम इतने दिनों से गुरुदेव के मुखारविंद से श्रीमद् भागवतम कथा का की क्लासेस ले रहे हैं, तो उसी में से जो मुझे थोड़ा सा याद है मैं उसी को बताने का प्रयास करूंगी। तो ये श्रीमद् भागवतम कथा हम सुन रहे हैं, पर इसका क्या महत्व है, क्या महत्व है इस कथा का? तो ये श्रीमद् श्री का अर्थ क्या है? श्रीमती राधा रानी। श्रीमद् श्रीमद् का अर्थ क्या है? श्रीमती राधा रानी का मद। ये एक ऐसी कथा है जिसमें क्या है, श्रीमती राधा रानी के प्रेम का वर्णन है। अभी ये भागवत कितने अक्षरों से बना है? चार अक्षरों से। तो जो पहला अक्षर है भा, उसका अर्थ क्या है? भाति सर्वेषु लोकेषु। भा का अर्थ क्या है? प्रकाश। तो ये श्रीमद् भागवतम एक ऐसी कथा है जो हमें ये माया रूपी अंधकार से कहां ले जाती है, भक्ति रूपी प्रकाश की ओर ले जाती है। ये जो श्रीमद् भागवतम कथा है इसका गान सिर्फ इस लोक में नहीं होता, सभी लोगों में होता है, ब्रह्म लोक में वैकुंठ लोक में सभी लोगों में इसका गान होता है। तो अभी कैसे होता है गान? तो जब भगवान ने ये सृष्टि बनाई तो क्या किया, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को एक एक काम दिया। तो ब्रह्मा जी को क्या काम दिया? सृष्टि का पालन करने के लिए। तो अभी ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तो ब्रह्मा जी ने बोला, हे
हे प्रभु मैं सृष्टि तो करूंगा पर सृष्टि करने से क्या होगा, मेरे अंदर रजोगुण आ जाएंगे, तो मैं उन रजोगुण के प्रभाव से कैसे बच पाऊंगा। तो भगवान ने उनसे क्या बोला, आप क्या करो 7 दिन तक मेरी भागवतम कथा को श्रवण करो, तभी क्या होगा तुम्हें ये रजोगुण के प्रभाव का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी भी स्वयं क्या करते हैं, सृष्टि करते हैं ये श्रीमद् भागवतम कथा को श्रवण करके। अभी विष्णु जी को क्या काम दिया, सृष्टि का पालन करने के लिए। तो विष्णु जी भी बोले कि हे प्रभु मैं पालन तो करूंगा पर फिर मैं लक्ष्मी का पालन कैसे करूंगा। तो भगवान ने क्या बोला कि तुम क्या करो श्रीमद् भागवतम कथा को श्रवण करो। तो विष्णु जी स्वयं ये श्रीमद् भागवतम कथा को सुनाते हैं लक्ष्मी जी को, कितने समय तक, 1 महीने तक। और फिर लक्ष्मी जी विष्णु जी को ये कथा सुनाते हैं कितने महीने तक, 2 महीने तक। और फिर इसी प्रकार शंकर जी को क्या काम दिया था, संहार करने का। तो शंकर जी भी बोले हे प्रभु मैं संहार तो करूंगा परंतु मेरे अंदर क्या आ जाएगा, तमोगुण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये संहार करना क्या है, तमोगुण है, तो मैं इससे कैसे बचूंगा, मेरे ऊपर तो इसका प्रभाव पड़ जाएगा। तो शंकर जी उनको प्रभु ने क्या बोला, तुम क्या करो श्रीमद् भागवतम कथा सुनो। तो शंकर जी भी क्या करते हैं, श्रीमद् भागवतम कथा का गान करते हैं। कितने समय तक, पार्वती जी को सुनाते हैं। कितने समय तक करते हैं, 1 साल तक वो श्रीमद् भागवतम कथा सुनाते हैं। और उसी प्रकार फिर पार्वती जी 2 साल तक ये श्रीमद् भागवतम कथा सुनाती हैं। तो अभी क्या है, ये जो श्रीमद् भागवतम कथा, इसका इतनी महिमा है जो ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी क्या करते हैं, इसका गुणगान करते हैं। तो अभी दूसरा अक्षर क्या है, ग। ग का अर्थ क्या है, गीयते नारदादि। ग मतलब गीत। ये श्रीमद् भागवतम एक ऐसा गीत है जिसका गुणगान सभी ऋषि मुनि करते हैं। तीसरा अक्षर क्या है, व। व का अर्थ क्या है, वरिष्ठ सर्व शास्त्रेषु। वरिष्ठ का अर्थ क्या है कि ये जो श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है जो सभी ग्रंथों में क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। चौथा अक्षर क्या है, त। त का अर्थ क्या है, तरणी। तरणी मतलब क्या होता है, नाव। तो ये श्रीमद् भागवतम कथा एक ऐसी नाव है, एक ऐसी तरणी है जो हमें इस भवसागर से पार लगा देती है, हमें इस जन्म मृत्यु के जंजाल से निकाल देती है। अभी हमें समझ में तो आ गया कि ये श्रीमद् भागवतम कथा क्या है। तो ये है क्या, ये है एक दिव्य मणि। कलयुग में जीवों के उद्धार के लिए भगवान स्वयं ये श्रीमद् भागवतम कथा के रूप में अवतीर्ण हुए। अभी 3 और चीजें, जहाँ पे भगवान का निवास है कलयुग में, जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके गए तो उन्हें तो पता था कलयुग आने वाला है, तो कलयुग में कैसे जीवों का उद्धार होगा। तो भगवान का 4 जगह में कलयुग में निवास है। कौन कौन सी जगह पे है, सबसे पहला श्रीमद् भागवतम कथा में जो भगवान स्वयं है, दूसरा तुलसी देवी में, वृंदा देवी में, तीसरा शुद्ध भक्तों के हृदय में, चौथा कहाँ पे है, गंगा जी में। गंगा जी क्या है, भगवान का चरणामृत है। अभी हमें ये तो पता चल गया कि कलयुग में भगवान का निवास कहाँ पे है। तो अभी हम कैसे भगवान को पाएंगे, कैसे भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, तो इसका क्या है, सबसे सरल उपाय क्या है, भक्ति करके। अभी प्रश्न उठता है कि अब भक्ति कैसे करें, क्या करें कि भक्ति करें, कैसे पता चलेगा। तो भक्ति के 5 विशेष अंग होते हैं। पहला क्या है, यही है श्रीमद् भागवतम कथा। दूसरा क्या है, साधु संग। तीसरा क्या है, धाम निवास। चौथा विग्रह। और 5वां हरिनाम। तो इन 5ों में से अगर हम कोई एक भी अंग का जाजन अच्छी तरह से कर ले तो हमें क्या, भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो अभी हम श्रीमद् भागवतम कथा सुन रहे हैं। तो अभी यहाँ पे प्रश्न उठता है कि ये श्रीमद् भागवतम कथा हमें क्या किसी के भी मुख से सुन लेनी चाहिए। हम देख रहे हैं आजकल टीवी में बहुत सारे लोग कथा करते हैं, उनके गले में कंठी नहीं होती, तिलक नहीं होता, तो क्या कर लेनी चाहिए, नहीं, हमें ये किसके मुख से सुननी चाहिए, शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से सुननी चाहिए। हमारा बहुत ही भाग्य है कि हम गुरुदेव के मुख से के क्लासेस ले रहे हैं श्रीमद् भागवतम कथा की। तो अभी ये अभी दूसरा अंग क्या था, साधु संग। तो साधु संघ में अभी प्रभु जी ने बताया कि किस तरह से साधु संघ की क्या विशेषता है। अभी गुरु जी ने कुछ दिन पहले नारद जी की कथा सुनाई थी कि किस तरह से नारद जी ने थोड़े से ही साधु संघ से क्या कर लिया, भगवान की प्राप्ति कर ली, ठाकुर जी के दर्शन कर लिए।
तो मुझे वही थोड़ी सी कथा याद है, मैं वही थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगी। तो अभी यहाँ पे नारद जी किसको ये कथा सुना रहे? नारद जी अपने जीवन चरित्र की कथा सुना रहे। किसको सुना रहे नारद जी कथा? वेद व्यास जी को, श्री वेद व्यास जी को। और क्यों सुना रहे? नारद जी क्या है यहाँ पे? गुरुदेव है। और वेद व्यास जी क्या है? उनके शिष्य है। तो अभी प्रश्न है कि यहाँ पे वेद व्यास जी कौन है? तो वेद व्यास जी कौन है? वेद व्यास जी भगवान के ही अंश है। तो वेदव्यास जी, हाँ वेदव्यास जी भगवान के ही अंश है। उन्हें उनके पास दिव्य दृष्टि थी, उन्हें पता था कि कलयुग आने वाला है। तो अभी उन्होंने देखा कि कलयुग में जीवों की क्या हालत होगी। तो उन्होंने देखा कि जैसे मेरे जैसे जीव है उनकी क्या होगी? बुद्धि एकदम मंद होगी, आयु क्या होगी? धीरे धीरे कम होती जाएगी और धीरज खत्म होते जाएगा, परमार्थ खत्म होने लगेगा। परमार्थ का अर्थ क्या है? कि बच्चों को ना भक्ति भक्ति से कोई मतलब नहीं होगा। अगर बच्चा डिस्को में जाए, पब में जाए, क्लब में जाए तो क्या कहते हैं माता पिता? हमारा बेटा तो मॉडर्न है, एक्टिव है, दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है। और वहीं अगर बच्चा कहाँ चले जाए? साधु संग करने लग जाए, थोड़ा सा माला पहन ले, तिलक लगा ले, तो क्या कहते हैं बाबा? कहाँ ये साधुओं के चक्कर में पड़ गया, कहाँ फालतू के चक्कर में पड़ गया ये, ऐसा कहते हैं ना। तो ये क्या है? ये परमार्थ खत्म होते जाएगा। तो वेदव्यास जी ने कलयुग में जीवों के उद्धार के लिए वेदों की रचना करी, महाभारत की रचना करी, ग्रंथों की रचना करी। कौन कौन से वेदों की रचना करी? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो उन्होंने अभी इतने वेदों की रचना तो कर ली, परंतु फिर भी ना उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। उनकी आत्मा क्या थी? अशांत थी। उनको प्रसन्नता नहीं मिल रही थी। इतने सारे वेदों की रचना कर ली पर फिर भी खुश नहीं थे। तो अभी वो एक दिन क्या सरस्वती नदी के पास बैठ करके इसी बात का चिंतन कर रहे थे। तो वहां पे क्या हुआ? भगवत इच्छा से श्री नारद जी प्रकट हुए। तो यहाँ पे नारद जी प्रकट हुए तो वेदव्यास जी तो प्रसन्न हो गए कि नारद जी प्रकट हो गए। तो अभी यहाँ पे शिक्षा मिलती है कि नारद जी कौन थे? नारद जी उनके गुरुदेव थे। तो यहाँ पे शिक्षा मिलती है कि हम बिना गुरु के कुछ नहीं कर सकते। गुरु ही है जो हमारे अंदर से अंधकार को मिटा करके हमें प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो अभी वेदव्यास जी ने उनसे प्रश्न किया कि मैंने इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, इतने वेद लिख दिए, पर फिर भी मेरे अंदर मेरे आत्मा को शांति क्यों नहीं मिल रही है? मेरी आत्मा खुश क्यों नहीं है? तो नारद जी ने उनको उत्तर दिया कि तुमने धर्म, अर्थ और काम की वर्णना तो हर जगह कर दी, पर कहीं भी भगवान की लीलाओं के वर्णन ही नहीं करी, भक्ति का वर्णन ही नहीं करा। तुम्हारे आत्मा को, जीवों को कैसे शांति मिलेगी जब तुमने भगवान का वर्णन नहीं करा, कहीं भक्ति का वर्णन नहीं करा, भक्ति के महत्व के बारे में नहीं बताया? जीव का असली स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का असली स्वरूप ही है कि वो कृष्ण का नित्य दास है, पर वो क्या है यहाँ पे आकर के सब भूल जाता है। पर तुमने उसी की वर्णना कहीं नहीं करी तो तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? तो अभी आत्मा का क्या असली हार होता है? भजन करना, भगवान की सेवा करना, ये तो आत्मा का असली हार होता है। तो उन्होंने तो उसकी वर्णना ही नहीं करी थी कहीं पे। तो अभी नारद जी वेदव्यास जी को समझाने के लिए क्या करते हैं? उनको अपने जीवन चरित्र की कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार उन्होंने थोड़े से साधु संग से क्या कर लिया, भगवान की प्राप्ति कर ली। साधु संग, साधु दर्शन और साधु सेवा, केवल इन तीन चीज से क्या कर ली? भगवान की प्राप्ति कर ली। और कैसे वो भक्ति में तीव्रता से इन तीन चीजों की वजह से बढ़ते गए। तो अभी नारद जी कौन थे? नारद जी एक दासी पुत्र थे। तो एक समय क्या हुआ कि चातुर्मास का समय था। चातुर्मास में क्या होता है कि साधु संत एक जगह पे स्थिर होके भजन करते हैं, कहीं इधर उधर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि अगर हम इधर उधर जाएंगे तो हमारा क्या होता है, नियम होता है। वो नियम जैसे टमाटर नहीं खाना, परवल नहीं खाना, तो ये क्या होता है, नियम टूटने की संभावना होती है। तो वहाँ पे कुछ संत आए वहाँ पे, तो उनकी नारद जी बताते हैं कि उनकी मैया ने देखा कि यहाँ पे साधु संत आए हैं, अगर मैं इनकी सेवा करूंगी तो क्या होगा, मुझे भी भोजन मिलेगा और मेरे पुत्र को भी साथ साथ में भोजन मिल जाएगा। कल से फिर यहाँ से सुना ना, ये कल भी रहेगी, कल भी सुनाएगी, इसलिए ये देखो ये 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 नौकरी भी कर रही है, ये पैसा कमा रही है, ऐसे नहीं, नौकरी भी करते हैं, पैसा भी कमाती है, घर का काम करती हैं और ये कथा सुनती है। हम जी यहाँ कथा करते हैं ना, वो बैठ बैठ कर कथा सुनती है, इसलिए एक दिन बोले
गुरुजी मैंने कुछ कथा सुनाओ वहाँ पर देखा, उसने देखा यूट्यूब में ना बच्चे लोग खड़े होकर कथा सुनाते, बोले गुरुजी मैं भी कुछ कथा सुनाओ। मैंने सुनाओ क्या कथा सुनाओ, अरे मैंने जितना कथा यहाँ सुनाई ना पूरी की पूरी, उसका दिमाग तेज है क्योंकि वहाँ पर नोएडा, ये नोएडा में रहती है। एक बार जन्माष्टमी में हम बच्चे को खड़े करते हैं और बोले मैं भी कुछ सुनाऊंगी, ए सुनाया था ना जितने मैंने भागवत कथा सुनाई थी वो पूरा के मर, मेरे को भी जो याद नहीं उसको कथा सुना दी। इसलिए दिमाग तेज है अच्छी बात, अगर दिमाग तेज हो, अगर ये तेज दिमाग को अगर प्रभु का भजन में लगा दो ना, भगवान की भक्ति में लगा दो, फिर ये जो विद्या है तभी ये विद्या की सार्थकता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जब एक बहुत बड़ा विद्वान था, हैं बहुत बड़ा विद्वान जिसको माँ सरस्वती ने वर प्राप्त थी, ये पृथ्वी में तेरे को कोई पराजय नहीं कर सकते, पृथ्वी में कोई पराजय नहीं कर सकते। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु बात बात में जब 15-16 साल के थे उन्होंने उनको परास्त कर दिया। जब परास्त कर दिया बोले अगर कोई विद्वान को साथ में परास्त होता तो कोई बात होता, एक बच्चा बात बात में मेरे को परास्त कर दिया, लगता है मैया सरस्वती मेरे ऊपर नाराज है। तो मंत्र जप करते करते सो गया, स्वयं माँ सरस्वती प्रकट होती है। तो ध्यान देकर सुनो, ये माँ सरस्वती स्वयं कहती है, बोले देख बेटा मैंने कहा था इसी जगत में किसी पंडित को पास में तुम्हारी परास्त नहीं होगा, जानते हो आज जिससे मिले वो कौन है, मेरे पति है, ये गौर नारायण महापुरुष स्वयं भगवान है, पति को सामने पत्नी कभी सर उठा करके बात नहीं करती, तू तो बोलता नहीं मैं तो बोलती थी, जब तू मेरे पति को सामने तर्क वितर्क करने के लिए गया फिर मैं जीवा से अंतर ध्यान हो गया, तेरे बुद्धि खत्म है। देख बेटा मेरी दो तरह का कृपा है, जिसको पर मैं सही सही कृपा करती हूँ उसको भगवान तक पहुंचा देती हूँ, और जिसको पर मैं कृपा नहीं करती ना देवी स्वयं कहते हैं संसार का एक गधा बना देती हूँ, सरस्वती खुद कहती है एक गधा बना देती हूँ संसार का, दिन भर काम सवेरे से लेकर शाम तक संसार झूठा संसार में इसमें रच पसते रहते रहो, हैं रचते पसते रहो, इसलिए आज मेरी तेरे ऊपर पूरा कृपा हो गई, मेरे प्रभु से मिलन हुआ, जाओ उनके चरण में शरणागत हो। फिर जब महाप्रभु के पास में गए सारी बात उन्होंने बताई, माँ ने मेरे को ये बात बताई, देखो महाप्रभु क्या कहते हैं, बोले विद्या पढ़े के ना, ये विद्या हम क्यों पढ़ते हैं, बोले पैसा कमाने के लिए। महाप्रभु कहते विद्या पढ़े के ना, इसका नाम विद्या, विद्या मतलब संस्कृत शब्द, विद मतलब जानना, बोले किसको जानना, बोले भगवान को जानना। बेटा अगर पढ़ाई करके, इसलिए अक्षर कहते ना अक्षर, अक्षर मतलब क्या, अ मतलब नहीं, क्षर मतलब विनाश, जिसका विनाश नहीं। बेटा इसलिए विद्या पढ़ते हैं भगवान को भक्ति की जानने के लिए, ठाकुर को जानने के लिए। अगर विद्या पढ़ कर अगर प्रभु का भजन नहीं किया तो मरने का बाद कौन सा डिग्री तेरे साथ में जाएगी, सारी डिग्री यही रह जाएगी, और अंतिम समय में बोलेंगे राम नाम सत्य है, हरि गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सबको आवाज उठा है, यही बोलेंगे ना, बोले जितना तुमने भजन की तेरे साथ में वही जा रहे हैं, इसके सिवाय तुमने जो कुछ किया वो सब छोड़ कर ही जा रहे हैं, इसलिए केवल प्रभु की भजन जाता है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कृष्ण भक्ति जानी वारे, केवल प्रभु को जानने के लिए पढ़ाई करते हैं। बोले सजदी नहीं लो, अगर वो नहीं हुआ तो पढ़ पढ़ कर क्या हुआ, अतः बेटा इतने के महान तो तुम्हें सर्व परिहर, इसलिए हाँ जिसकी मोह अंत हो जाता है सब छोड़ करके करें ईश्वर पूजा, दृढ़ चित्त करी, चित्त को दृढ़ करके भगवान की भक्ति करते हैं। इसलिए क्या करो अपना हरि नाम को टाइम से सवेरे उठ करके नहा धो करके तिलक करके आरती भी करो, ठाकुर को सेवा पूजा तुलसी परिक्रमा गीता भागवत तो पढ़ो, सवेरे का जो ड्यूटी है ना अच्छे तरह से उसको करो, इसको ढीला मत करो। इसलिए गुरुदेव कहते थे 100 काम छोड़कर भजन करो, 1000 काम छोड़ करके अपना काम धंधा करो, बोले करोड़ों काम को पीछे करके अपना भजन करो, क्यों जब जाएगा यही फिर इसको क्यों नहीं करे, ठीक है ना। इसलिए सवेरे उठ करके सबसे पहले ठाकुर की सेवा पूजा, पहले सबसे पहले 2-2.5 घंटा अच्छे तरह से जम करके, जैसे घड़ी होता है ना अगर एक बार चाबी दे दो 24 घंटा चलता है, इसलिए सवेरे चाबी ऐसे दो, ऐसे संस्कार सवेरे पड़े भजन का जो दिन भर प्रभु की याद रहे, दिन भर प्रभु की याद रहे। इसलिए अगर हमारे अंदर में विद्वता है इसको क्या करो भगवान की भक्ति में इसको लगा तो बस तुम्हारी पढ़ाई पढ़ाई तम तुम्हारी सार्थक हो जाएगी। इसलिए ये बच्ची जो पहला बार बोला था हम तो सुनकर दंग रह गए, बोले बाप अभी कितने अच्छे तरह से बोल रहे, देखा
क्योंकि जब आप बोलोगे ना कथा को बोलते 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 आदत बनता है, अगर आप बोलोगे नहीं जिस को आदत नहीं बनेगी, इसलिए हरि पूजा को जरूर बोलना। तो मैया बोलेगी बेटी सुनेगी, बेटी सुनेगा तो मैया बोलेगी सुनेगी, इसलिए ये गाना आदत डालना, ठीक है। हाँ हमारे हम सोचे थे चिरा के बोला जाएगा ठाकुर का आरती हो गया, उसको बोलना नहीं बना कल ही सुनाएंगे, ठीक है। ये कल सुनाएंगे, हाँ अभी ठाकुर का आरती नहीं होगी, ठाकुर जी आरती में देर में जैसे 6:30 बजे होनी चाहिए। बोले श्री वृंदावन जय जय जय। कल फोन करोगा कोई अच्छा बढ़िया सब्जेक्ट, कोई अच्छी कोई सब्जेक्ट हमारे पास साइंस पसंद है। हाँ साइंस, हरे हरे कृष्णा आरती 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 साइंस वाले प्रभु, साइंस वाले साइंटिस्ट आरती गा सकते हो तुम? हाँ देखो ये जगत में ना, देखो जो भगवान की कथा बोलते हैं जगत में, अगर सबसे कोई टॉप नाम है ना जो भगवान की कथा सुना, सारा दुनिया भर की पूजा करते कथा की, इतना बुद्धि की इतना क्यों नहीं, बिना देखे ऐसे लेक्चर देता है सारा दुनिया सुन करके, इतने सारा दुनिया फास्ट नंबर आ गया, क्यों यदि अभी दुनिया की कथा बोलता है लेकिन बोलता है बढ़िया, इसलिए जो भगवान की कथा जगत में सुनाते ना ये कथा उसको सबसे ऊंचा स्थान दे देता है, सबसे ऊंचा स्थान दे देता है जो भगवान की कथा बोलते हैं, इसलिए बोले भूलिता जना जगत में सबसे बड़ा दान क्या है जो भगवान कथा के जो दान करते हैं, इसलिए तुम अच्छी तरह से भागवत को सुनो, ठीक है, अच्छे तरह से पूरी भागवत कथा को जैसे बोलता ना उसको तैयार करना, और एक भी कहीं अलग अलग जगह पर जाकर कथा सुना सुनाना कहना, छोटे छोटे बच्चों पूरा कथा सुना, पूरा भागवत कथा सुनाती और थोड़ी भजन भी सीख लो, थोड़ी जैसे कीर्तन होता है ना थोड़ी कीर्तन यूट्यूब में देख करके जैसे कीर्तन गाते थे कीर्तन भी सीख, ठीक है। और तुम्हारे जो भैया क्या नाम उसका, हाँ कपिल, तुम भी थोड़ा बहुत हाँ तुम भी वृद्ध हो जाना उनका आए तो घर में प्रैक्टिस कर, ठीक है, घर में प्रैक्टिस, घर में अगर बोलते रहो घर में प्रैक्टिस करते रहोगे ना धीरे 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 सीखोगे, एक दिन तो ना यूट्यूब में आ जाओगे, एक दिन लोग बुलाएंगे कथा करोगे ना फिर पूरा मीडिया में सारी दुनिया में कथा जाएगी, सारा दुनिया में जगत में बड़े नाम होता है जो कथा करते हैं, अभी विदेश से देख रहे थे, साउथ अफ्रीका से भी एक और नेदरलैंड के लोग देखते हैं, मेरे पास में फोन आता है साउथ अफ्रीका से भी है, साउथ अफ्रीका ऑल वर्ल्ड सुन रहा कथा, ऑल वर्ल्ड सबको नाम ले लो, पुजारी प्रभु दर्शन कराओ, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जू की जय, शशिनंदन गौर हरि की जय, शिव जया जया Oh,
Thank you.
Thank you.
श्री श्री गुरु गोरानंद हरि गोदर मंदिर जी की जय। श्री श्री राधा रमण गिरि जी की जय। जयंत लीला प्रविष्टम पुष्पाद श्री भक्ति वेदांत नारायण कुमार गुरुदेव जी जयंत लीला प्रविष्टम पुष्पाद भक्ति वेदांत गुरु महाराज की जय। जयंत लीला प्रविष्टम पुष्पाद भक्ति वेदन मौली गोस्वामी महाराज की जय। जयंत लीला प्रविष्टम पुष्पाद श्रीमान भक्ति वेदन स्वामी महाराज की जय। जयंत लीला प्रविष्टम पुष्पाद श्रीमान भक्ति प्रमोद गोस्वामी महाराज की जय। जयंत लीला प्रविष्टम पुष्पाद श्रीमान भक्ति देखपाल गोस्वामी महाराज की जय। जयंत लीला प्रविष्टम पुष्पाद श्रीमान भक्ति नक्षत्र गोस्वामी महाराज की जय। जयंत लीला प्रविष्टम पुष्पाद श्रीमान भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज की जय। जयंत लीला प्रविष्टम पुष्पाद श्रीमान भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज प्रभु की जय। जयंत लीला प्रविष्टम पुष्पाद श्रीमान भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोपाल की जय। परमहंस बाबा जी श्री गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज की जय। सच्चिदानंद सरोवर ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास भारती महाराज की जय। वैष्णव आचार्य श्रीमंद्रदा भूषण प्रभु की जय। जय श्री कृष्ण चेट ठाकुर की जय। जय श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद पुत्र की जय। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की जय। जय श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की जय। जय श्री जीव गोस्वामी की जय। जय श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय। जय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। शरद गोस्वामियों की जय। जय श्री स्वरूप दामोदर राय रमन दादी गौर पाठक की जय। नाम आचार्य श्रद्धास ठाकुर की जय। प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद दर्शी द्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तन की जय। श्री नंदन धाम की जय। महापुर धाम की जय। श्री मायापुर धाम की जय। श्री राधा कृष्ण गो गोपी को गोवर्धन द्वादश मंडल की जय। द्वादश की जय। श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री जगन्नाथ मंदिर सुभद्रा जी की जय। भक्तेश्वर प्रहलाद महाराज की जय। विघ्नेश भगवान सिंह देव की जय। चारों धामों की जय। चारों आचार्यों की जय। चारों परंपराओं की जय। आगरमथा श्री चैतन्य मठ की जय। श्री गौड़े वेदांत समिति की जय। केशव जी गौड़े मठ की जय। श्री रूप सनातन गौड़े मठ की जय। श्री रमन घरे गौड़े मठ की जय। श्री राधा मोहन गौड़े मठ की जय। श्री राधा मोहन घरे गौड़े मठ की जय। श्री गौड़ नारायण गौड़े मठ की जय। देवानंद गौड़े मठ शाखा मठ समूह की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री हरिनाम महामंत्र की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। भक्ति वेदांत शिविर गोस्वामी महाराज गुरुदेव की जय। संध्या आरती की जय। संध्या आरती कारी भक्त वृंद की जय। जय गौर के वृंद संकीर्तने कपित्रो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगदासमकालो वंदे जगत्प्रियगुरु कर्मावतारो बर्हापीडं नटवरो कर्णयो कर्णिकारो विप्रदवासकनकपिशयं वैजयन्तीं शमानम् रन्धामयूरथयसुधयं पूरयाद्गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदीपकीर्ति भजामि राधामरवेन्दनेत्रं स्मरामि राधामधुरस्मितास्यं वदामि राधां करुणावरद्रां ततो ममन्यास्ति गतेर्न कापि भक्त्या विनापराधलक्षे क्षिप्राशकामानधिकरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसी गौरवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम।
कृष्ण भक्ति प्रदायिनी वृंदा देवी की जय। वृंदाए तुलसी देवे प्रिया।